केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ में रियल एस्टेट से जुड़े राजीव सिंघल के घर पर बाइक सवार बदमाशों ने धावा बोलते हुए करीब 12 लाख रुपए नगद व सोने चांदी के जेवर साफ कर दिए। घटना के वक्त बिल्डर अपनी पत्नी के साथ वृंदावन गए हुए थे। घर पर दो बेटे थे। शाम को बड़ा बेटा साइट पर चला गया और इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने घर में रखी नकदी व जेवर चोरी कर लिए। बदमाश घर में कूदते और बाहर निकलते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। जिस तरह से दो बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, उसे देखते हुए लग रहा है कि बदमाशों को राजीव सिंघल के बाहर जाने की पूरी जानकारी थी। इस वारदात को घर में भीतर घुसकर एक बदमाश ने अंजाम दिया, जबकि दूसरा बाहर बाइक पर पहरेदारी करता रहा। राजीव सिंघल परिवार समेत वेस्टर्न रोड स्थित बंगला नंबर 210B में रहते हैं। देखिए, इस बारे में बिल्डर राजीव सिंघल ने यह जानकारी दी। मैं राजीव सिंघल नाम है मेरा। मेरे घर में चोरी हो गई है। मैं वृंदावन गया था तो पीछे से बेटा कहीं बंद करके चला गया घर को। उसके पीछे ताले तोड़कर सारा सामान ले गए, कुछ कैश है, कुछ ज्वेलरी है, और सारा सामान समेट के ले गए। पुलिस आई थी और सीसीटीवी में देखा कुछ पता? पुलिस आई थी, उन्होंने सीसीटीवी देखे, फिंगरप्रिंट भी उठाए हैं, डॉगी भी आया था, कोई इंक्वायरी करके गए हैं, तहरीर दे दी उनको। मेरा नाम पार्थ सिंघल है, मैं 210B में निवासी हूँ। आज दोपहर के समय जब मैं 3:30 बजे अपने छोटे भाई को ट्यूशन छोड़ के साइट पर गया और मेरे मम्मी पापा जब वृंदावन गए हुए थे, तो उसी दौरान आधे घंटे के बाद मेरे घर पे चोरी की वारदात हुई। मेरे जाते ही वो गेट से अंदर कूद के अंदर आए, सारे पहले गेट का मेन लॉक तोड़ा, फिर सारी अलमारियाँ तोड़ी, उसमें से सब हीरे जेवरात और कैश नगद सब ले गए, सारे अलमारियाँ और खंगाल दी, सारा तोड़ फोड़ मचा दी और अपने साथ छेनी और हथौड़ा लेकर आए, सारी अलमारी ढंग से तोड़ी और फिर उनमें वारदात करी, पूरा मेन गेट तोड़ दिया और फिर ऐसी गेट से वापस कूद के दो जने आए बाइक पर और उसके साथ चले गए वापस। कितने की चोरी हुई? चोरी लगभग 10-15-12 लाख रुपये नगद थे, बाकी ज्वेलरी का भी हमने हिसाब लगा रहे हैं और पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन वो हमारे ऊपर ज़्यादा दबाव बना रही है नाकायदा पुलिस को उसको ढूंढने के लिए। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।